इतना जोश नवरात्रि करने वालों में, जो खेलने वाले होते हैं उनमें, मैंने बहुत उनमें एक्रोबेट्स भी देखे, जैसे ऐसे ऐसे करके चाबी उठा लेते हैं, नई नई चीज़ें मैंने देखी वहाँ, बहुत ही अच्छा लगा मुझे। और ये आप बिलीव करिए कि नवरात्रि का प्रोग्राम जो है वो मैंने इसलिए किया है कि मैं 9 दिन 10 दिन मैं माता रानी की सेवा करना चाहता हूँ, दिल से ऐसा करना चाहता हूँ कि मुझे ऐसा लगे एट द एंड ऑफ द डे कि मैंने बहुत शिद्दत से, बहुत ऑनेस्टी से ये काम किया है, ये भावना है मेरी। और बहुत अच्छा लोग इंजॉय करें, हमें खुद बहुत मजा आए। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। और जितने मेरे सारे म्यूजिशियन हैं जो हमारा साथ दे रहे हैं, मैं उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ। और मेरे साथ मेरे दोस्त आनंद मिलन यहाँ पर हैं, जो कि साथ में वहाँ उनका भी है फंक्शन, मैंने इनसे रिक्वेस्ट किया है कि भाई एक दिन मैं आपके यहाँ चला जाऊँगा, आप मेरे यहाँ आ जाना। थैंक यू सो मच, थैंक यू। सेलेब की तरफ से ये अलग अलग सिटीज़ में जिस तरह से नवरात्रि इन्होंने प्लान किया है, बहुत अच्छा लग रहा है। और पूरा गरबा यहाँ पे फीवर हो रहा है, ऐसा लग रहा है नवरात्रि अभी शुरू हो गई है। सो आई एम वेटिंग, मुंबई में जब होगा तब डेफिनेटली मैं भी आऊँगी ज़रूर यहाँ पे, बट इट्स प्लेजर टू बी हियर। मैं बहुत इंजॉय करती हूँ जब भी नवरात्रि होती है, तो मैं खुद जब परफॉर्म कर रही होती हूँ मेरा दिल करता है मैं नीचे उतर के सबके साथ डांडिया खेलने लग जाऊँ, तो मैं खुद बहुत इंजॉय करती हूँ। एंड ठीक है, हम जब यू नो बॉम्बे में या हम जब नहीं ट्रैवल कर रहे हैं तो मैं डेफिनेटली अपने फ्रेंड्स के साथ गरबा खेलने ज़रूर जाती हूँ। बहुत जल्दी आएगा, और जब भी आप मुझसे मिलते हैं मुझसे यही सवाल पूछते हैं, तो मुझे भी अच्छा नहीं लगता आप लोगों को वेट करवाना, बट बहुत जल्दी आएगा। सबसे पहले तो आप सभी को मेरा नमस्कार, और गोल सेलेब के साथ बहुत अच्छा लग रहा है। मेरी खुशनसीबी है कि उन्होंने मुझे इतने बड़े बड़े सेलिब्रिटी के साथ में एक काम करने का एक मौका दिया, और मैं बड़ा ही शुक्रगुजार हूँ, बहुत अच्छा लग रहा है। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। एंड नाउ रिमी, आई मीन यू आर, यस यू आर अ फैमिली, सो बट आई वांट टू यू नो दैट हाउ आर यू फीलिंग। आपने गरबा मुझसे पहले भी किया होगा नवरात्रि में, सो वो जो गुजराती टच जो होता है वो बहुत डिफरेंट होता है, गरबा की जो ट्रेडिशनल स्टाइल होती है। सो आपने खेला है गरबा, सबसे पहले मुझे ये जानना है आपसे। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बंगाली हूँ, लेकिन जब से चिराग के साथ मिली हूँ तब से मैं अपने आप को गुजराती ज़्यादा समझती हूँ और बंगाली कम, क्योंकि आकाश भाई के साथ लास्ट टाइम हम लोग मिले थे, आई थिंक सूरत में मिले थे ना, तो बात बहुत कम करते हो लेकिन दिल के बहुत अच्छे हैं। और चिराग के साथ तो फैमिली रिलेशन है पिछले एक साल से, जब उन्होंने गो सेलेब लॉन्च किया था तब से हम लोग एक साथ एसोसिएशन, तो आई फील एक्सट्रीमली लकी कि मुझे इतने अच्छे आदमी मिले हैं, इतने अच्छे लोगों के साथ एसोसिएशन मेरा हुआ है, चाहे इवेंट बिजनेस हो या जो भी हो, लेकिन जब तक लोग आपके साथ अच्छे हैं तब तक काम करने का मज़ा ही कुछ और होता है। और वही मैंने कहा कि लास्ट ईयर हम लोग नवरात्रि के लिए सूरत गए थे और बहुत अच्छा लगा था मुझे, इतने सारे आर्टिस्ट थे, इतने सारे अच्छे अच्छे सिंगर्स थे, और पूरा खचा खच भरा हुआ था स्टेडियम। आई थिंक दैट वाज द बेस्ट नवरात्रि आई हैव एवर विजिटेड। और इस साल का चिराग बोल रहे हैं कि इससे भी ज़्यादा बड़ा होने वाला, तो मुझे पता नहीं, सब फट फुट के पार। लास्ट टाइम इतना जाम पैक था कि सब आर्टिस्ट सिर्फ 5-5 मिनट के लिए आए और चले गए, क्योंकि वो रिदम ब्रेक कर रहे थे। तो इस बार मैं चाहती हूँ मेरा थोड़ा लंबा विजिट रहे, मैं
20-25 मिनट एटलीस्ट आधा घंटा लोगों के साथ गरबा भी खेलूँ, थोड़ा सा कैलोरी भी बर्न हो जाएगा और लोगों के साथ इंटरेक्शन करने का मौका भी मिलेगा. और आई थिंक दैट्स द बेस्ट थिंग, जितने भी अच्छे लोगों के साथ इंटरेक्शन हो सके, आई थिंक दैट्स प्राइसलेस. और मुझे बहुत अच्छा लगता है ऐसे माहौल. तो आई विश आकाश भाई एंड चिराग ऑल द वेरी बेस्ट येट अगेन फॉर दिस ईयर्स नवरात्रि. एंड बस उम्मीद करती हूँ कि इस बार भी इक्वल, उससे भी ज़्यादा मज़ा आए जितना भी लास्ट टाइम आया था. Thank you so much for having me here. I'm here. Yes, Chirag bhai, want to say something? Thank you, Rivi. इसका बड़प्पन है कि हर जगह मेरी तारीफ करते थे, बाकी हम आपस में बहुत झगड़ते हैं, ये सबको बता रहा. मैं सबको, जितने भी हमारे कलीग्स आर्टिस्ट हैं, अपूर्व जी, अमन जी, उनको इनवाइट करूंगा स्टेज पे आए. धर्मेश जी, शीतल जी स्टेज पे आए. भूमि त्रिवेदी, भूमि जी, चांदनी, निराली, दीपल जी, नाम लेना छोड़ो क्योंकि मैं अपना नाम बनाने में जितनी मेहनत कर रही हूँ, जितना मेरा पहला एक्सपीरियंस आया है. मैंने कुछ आर्टिस्ट को, मैंने सुना उनको और मुझे बहुत ही अच्छा लगा. लेकिन मुझे US वापस जाना है तो मैं इस इवेंट पे आई वोंट बी एबल टू स्टे बिकॉज आई हैव प्रायर कमिटमेंट्स इन द US. बट नेक्स्ट ईयर आई विल बी हियर. एंड I'm actually, we recently, I'm here because I did a music video shoot with Ganesh Acharya ji. So, I'll be back for promotion. So, but I'm very happy to be here and I wish everybody all the best. So, मतलब इस बार आप perform नहीं कर रहे हो, next year से आप perform? जरूर करूंगी. तो किस तरह के गाने, music आपको पसंद है, खास कर अगर कुछ share करना चाहें? मुझे, मैं classically, मैं music, classical music सीखती हूँ. मुझे light classical और कुछ भी गाने हो जिसमें अच्छे melodies हो, वो मुझे बहुत पसंद है. एंड यू नो आई फील देर इज़ नो बॉर्डर इन म्यूजिक. वन शुड बी ओपन टू सिंगिंग एनी काइंड ऑफ सॉन्ग. सो आई एम ओपन टू सिंगिंग एनी काइंड ऑफ सॉन्ग बिकॉज फॉर मी म्यूजिक इज लर्निंग. आई रियली फील ग्रेट. और मैं सबसे पहले चिराग भाई जो गो सेलेब के फाउंडर हैं, जिन्होंने गो सेलेब को बर्थ दिया है, आई थिंक मैं सबसे पहले उनको थैंक्स कहना चाहूँगी. एंड इट्स अ ग्रेट वंडरफुल अपॉर्चुनिटी कि इस साल मुझे फिर से और एक बार मुंबई में परफॉर्म करने का मौका मिल रहा है नवरात्रि में. और नवरात्रि बींग अ गुजराती, आई थिंक बींग अ गुजराती एंड अ सिंगर एंड बिलोंगिंग टू यू नो गुजरात एंड बड़ौदा, आई थिंक गरबा तो गाना आना ही चाहिए. एंड इट्स अ प्रिविलेज फॉर मी कि मैं इतने साल से मेरे पेरेंट्स के गाइडेंस से और बहुत सारे लोगों ने मुझे काफ़ी कुछ सिखाया है, तो उनके गाइडेंस से मैं आज यू नो 2010 से मैं खुद की नवरात्रीज में परफॉर्म करती हूँ. एंड 2010 से 2017 तक मैंने मुंबई में परफॉर्म किया था और लास्ट ईयर 2018 में मैं सूरत गई थी परफॉर्म करने के लिए. एंड दिस ईयर वो सेलेब के साथ मैं फिर से परफॉर्म कर रही हूँ, जहाँ पे उस्मान मीर जी भी हैं. और उस्मान सर की तो मैं बहुत बड़ी फ़ैन हूँ और उनको सुनने का भी मौका मुझे मिलेगा, तो साथ साथ मैं परफॉर्म भी करूँगी. और बहुत सारे अच्छे अच्छे सिंगर्स भी हैं जो हमारे साथ गाने वाले हैं, परफॉर्म करने वाले हैं इस नवरात्रि में. सो नथिंग लाइक इट. और बहुत सारे सपोर्टर्स हैं, बहुत सारे स्पॉन्सर्स हैं हु आर यू नो अ पार्ट ऑफ दिस ह्यूज गो सेलेब बिग फैमिली. तो मैं उन सभी को थैंक्स कहना चाहूँगी कि इतना वो सपोर्ट कर रहे हैं. और ये कल्चर की जब बात आती है तो मुंबई में यू नो इट्स कम्प्लीटली डाइवर्सिफाइड और इतने सारे फेस्टिवल्स जब सेलिब्रेट होते हैं और नवरात्रि की जब बात आती है तो मुंबई को उतना ही इंपॉर्टेंस दिया जाता है जितना आई थिंक गणेश चतुर्थी के टाइम पर दिया जाता है. सो आई थिंक बहुत सारे गुजरातीज भी हैं यहाँ पे मुंबई में, तो दे ऑल आर सपोर्टिंग. एंड आई थिंक बेस्ट पार्ट तो ये है कि जितने नॉन गुजरातीज हैं उन लोगों को भी मैंने गरबा की धुन पे नाचते हुए देखा है, गरबा गाते हुए देखा है, मैंने सुना है. सो इट्स अ काइंड ऑफ अ ग्रेट सरप्राइज एलिमेंट फॉर मी. तो मुंबई में परफॉर्म करना हमेशा मेरे लिए बहुत स्पेशल रहा है. तो 2017 में मैंने रमजट एल्बम के लिए रिकॉर्ड किया था और मैं और उस्मान सर जी, हम दोनों का साथ में एल्बम था. और कोइंसिडेंटली 2014 और 15 में मैंने और उस्मान जी ने साथ में परफॉर्म किया था. और इस बार मैं जो 2017 का एल्बम था उसमें से काफ़ी सारे गरबे गाने वाली हूँ. और इस साल भी रमजट 3 एल्बम जिसके लिए मैंने रिकॉर्ड किया है, आई थिंक मैं उनमें से भी बहुत सारे नए नए गरबे हैं, गाने हैं, वो मैं परफॉर्म कर रही हूँ. और
नॉर्थ गुजरात से, मेरा नेटिव नॉर्थ गुजरात में है, तो नॉर्थ गुजरात के भी काफ़ी सारे गरबे हैं, बहुत सारे गाने हैं, बड़ौदा के बहुत सारे गरबे हैं, मुंबई में जो यू नो लोगों के फेवरेट है यहाँ पे गरबे, तो मिक्स ऑफ एवरी थिंग आई एम गोना सिंग, इंक्लूडिंग माई उड़ी उड़ी जाए जो बॉलीवुड के लिए मैंने गाया है, सो आई एम गोना सिंग दैट। प्रोग्राम खत्म हो तो मुझे ऐसा लगे कि मैंने बहुत दिल से किया है, माता रानी खुश है, ये मेरा गोल है। किस तरह के गाने होंगे इस बार, क्या कुछ नया होगा आपकी तरफ से? बस कुछ गुजराती गाने हमने याद किए हैं, ये मेरा बेटा राहुल ये भी इसमें गा रहा है, हमने कुछ गुजराती गाने याद किए हैं और हमारी फिल्मों के जो गाने हैं वो गाने सारे इसमें इनकॉर्पोरेट करेंगे। माता रानी से आपने दुआ मांगी अपने बेटे के लिए कि इसको आगे मतलब इंडस्ट्री में चमका चढ़ाना है ऊपर, या? हाँ, ये आपने बात सही बोली कि मैंने माता रानी से ही दुआ मांगी और ये लक्ष्य है, और ये तो बिना मांगे ही माता दे देती हैं, लेकिन ये एक बैक ऑफ माइंड ऐसा है कि कुछ अच्छा हो जाए, कुछ अच्छा काम बने, सब कुछ रहे, बस ये मेरा गोल है। राहुल क्या कहना चाहेंगे, आपका गाना काफ़ी हिट हुआ था और काफ़ी वायरल हुआ था जो पीछे गाना आया था, अभी क्या चल रहा है और अभी गरबा में क्या धमाल करने वाले हैं? हाँ यार, कोई भी शो करते हैं तो ट्राई करते हैं, सबको मज़ा आए, काफ़ी गुजराती गाने लर्न किए हैं, काफ़ी लंबी एक लिस्ट है गानों की जो गानी है, सबको मज़ा आए। और जी का हमारा पहला गाना मेरा निकला था आंखों के इशारे, अच्छा चला था, अभी अगला वाला अक्टूबर में आएगा, आप लोग सब बुक कीजिए, पहला वाला अच्छा गया, सेकेंड वाला भी अच्छा जाए। कितना चैलेंजिंग आपके लिए, एक पंडित फैमिली जो है बॉलीवुड में खास बिल्कुल अलग होदे पर है, आपके लिए कितना चैलेंजिंग है गाना स्टेज पर? ऐसा कोई चैलेंजिंग, पहले छोटा जब था तब थोड़ा शर्माता था, अभी काफ़ी टाइम से कर रहा हूँ तो कुछ इतना डर नॉर्मल लगता है अभी थोड़ा, पर एज लॉन्ग एज अच्छे से प्रिपेयर करके जाओ तो कोई ऐसे चैलेंजिंग तो कुछ खास लगता नहीं। हाँ गुजराती आती है आपको थोड़ी बहुत? गुजराती मेरी मॉम बोलती हैं गुजराती, वो पारसी हैं, तो उनसे थोड़ा बहुत मैं बोल लेता हूँ, अच्छा ही बोल लेता हूँ, समझता पूरा हूँ, बोला भी था स्टेज पे थोड़ा गनो एम बोली सकूँ गुजराती में, कोई इमाराती बात कर सकता हूँ। एक लाइन में गुनगुनाएंगे कोई या गुजराती या गाना या रंग लो जमियो क्या लिंदड़ी ने घाट चो गाड़ा तारा और छबिला तारा रंग बेरो जोए तारी बाट रंग लो। जतिन जी बेटे को आपने क्या क्या टिप्स दिए हैं अभी की डांडिया के लिए? पढ़ाई पहले में की है लॉस एंजलिस में और मैंने उसको संगीत जितना मैं जानता हूँ मैंने उसको सिखाने की कोशिश की है, अपने पियानो बजाता है, गिटार बजाता है, कंपोज करता है, अच्छा गाता है। थैंक यू यार जिसने भी बोला यही बस कोशिश है कोई अच्छा बड़ा आदमी इसका हाथ पकड़ ले और उसकी गाड़ी पटरी पे आ जाए, बस भगवान से ये दुआ है। थैंक यू सर। दोनों में एक कुछ अलग रहेगा कि कुछ अलग आपको देखने को मिल जाएगा कि यहाँ पे नहीं, चाहे वो मैनेजमेंट लेवल पे हो, चाहे वो आर्टिस्ट लेवल पे हो, चाहे वो क्रिएटिव लेवल पे, आपको अलग दिखेगा। तो क्या कहते हैं मुंबई की अगर बात करें तो भूमि जी हैं, उस्मान मीर हैं, तो कितना बड़ा एक सेलिब्रेशन होने का हमारी एक्सपेक्टेशन है, 20-25,000 समथिंग पीपल को यहाँ इन्वाइट करने की, लोग पास खरीदे और सामने हमारा जो भी हम बेनिफिट्स दे रहे हैं वो सबसे ज़्यादा पब्लिक उठाए हमारे जो बेनिफिट्स दे रहे हैं, तो हमको एक्सपेक्टेशन है कि 20-25,000 क्राउड तो आएगा, ये ग्राउंड आप देख रहे हो और हम जो क्वालिटीज जो हम ला रहे हैं वो मतलब मुझे नहीं लगता, मैं इतने सालों से ये नवरात्रि कर रहा हूँ यहाँ पे और बॉम्बे में भी देखी है, लेकिन इस तरह का क्वालिटी मैनेजमेंट होगा। और हाल ही में आपने शुरुआत की है इसके, काफ़ी कम समय में काफ़ी आगे निकला है, तो उसके अंदर कितनी खुशी मिल रही है, कितना कॉन्फिडेंस बूस्ट अप हुआ आपको इससे? वैसे तो ऐसा है कि भाई मैं गो सेल ब्रांड अभी लेके आया हूँ, इंडस्ट्रीज में लास्ट 25 साल से काम कर रहा हूँ, तो ब्रांड को एक साल हुआ है लेकिन अच्छा लग रहा है, एक ब्रांड डेवलप हो रही है और इंडिया में पहले ही ऐसी इवेंट मैनेजमेंट कंपनी है कि अपनी ब्रांड को डेवलप कर रहा है, तो खुशी व्यक्त हो रही है, आप लोगों का सपोर्ट मिल रहा है, पब्लिक का सपोर्ट मिल रहा है, मीडिया का सपोर्ट मिल रहा है, तो अच्छा लग रहा है कि चलो भाई एक अपने को पब्लिक से जो अपना एक ड्रीम होता है वो कम्स टू ड्रीम जो नज़दीक आते हुए दिख रहा हूँ मैं। अभी हमने दो वर्टिकल हमारे लॉन्च कर दिए, एक टैलेंट और एक क्लब, अभी तीसरा वर्टिकल हम लॉन्च करने जा रहे हैं ऑक्शन और उसके बाद लाइव, जैसे नेटफ्लिक्स और अमेजोन जो आ रहा है वैसा गो सेल नेक्स्ट 6 मंथ में दोनों वर्टिकल लेके आ जाएगा। आनंद मिलिंद डीओ की तरफ से, और हम लोग पहली बार गरबा कर रहे हैं, प्रोग्राम सूरत में कर रहे हैं और
काफ़ी एक्साइटेड हैं कि अच्छा प्रोग्राम करेंगे और गो सेलेब के साथ जुड़े हुए हैं, तो एक एक्साइटमेंट है कि 9 दिन तक हम अपना संगीत और म्यूज़िक इस तरह का दें कि लोगों को मज़ा आए और लोग खूब नाचें। और ये मैं प्रार्थना करता हूँ माता जी से, क्योंकि ये माता जी का प्रोग्राम होता है 9 दिन का। सर ऐसा कोई खुद ही हमारे इस तरह के प्रोग्राम में कितना बढ़ावा मिलता है? हाँ, इस तरह के प्रोग्राम होते हैं कितना इस तरह का प्रोग्राम होता है कितना उत्साह मिलता है? नहीं, बहुत उत्साह मिलता है, बिकॉज गरबा इटसेल्फ ऐसा डांस है जिसमें इतनी एनर्जी है, तो जब नाचने वाले इतनी एनर्जी दिखाने वाले हैं और हमारे म्यूजिशियन जितने जोर शोर से बजाने वाले हैं, तो एक्साइटमेंट तो पूरा का पूरा ही है। क्या नया देखने को मिलेगा? हमारे लिए तो नया ही होगा, बिकॉज हमने गरबा पहले कभी किया नहीं है। ऑफकोर्स देखा बहुत है, गरबा पर गए भी हैं, गुजराती समझते भी हैं, तो हमको तो देखने के लिए मतलब मुझे भी मज़ा आएगा देखने में, और आई थिंक जो लोग परफॉर्म करेंगे उनको बहुत मज़ा आएगा, और ख़ासकर हमारा म्यूज़िक ऐसा होगा कि दे विल एंजॉय इट। थैंक यू।